सरासर आपकी है धीर भाई जी। जब हमने कुंवर प्रताप को गोली चलाने के अपराध में इस महल में बंदी रहने के लिए कहा था, फिर आपने उन्हें बाहर कैसे जाने दिया? जानती हैं आप कितना बड़ा अहित किया है उन्होंने ऐसा करके? धीर भाई जी, हम एक समस्या सुलझाने गए थे, आपने दूसरी समस्या खड़ी कर दी। अगर जवंता भाई जी होती ऐसा कभी नहीं होता। जानती हैं आप, हम लोग चाहिए यहां से, हमने कहा चाहिए और हमारा अश्व लेके चाहिए। जानती हैं धीर भाई जी, आप ही हमारे पास सबसे पहले आएंगे कुंवर प्रताप के लिए मुक्ति और नरम व्यवहार की विनती करने के लिए। हम बस इतना जानते हैं राणा जी कि आप जो चाहें हमसे कह लें, हमें सुनाते और कुंवर प्रताप को दंड ना दें। धीर भाई जी, हम आपको कैसे आश्वासन दे सकते हैं जब आपका पुत्र अपराध पे अपराध किए जा रहा है? जब हमने उनसे पूछा था कि गोली किसने चलाई है तो वो चुप रहे। जब हमने उनसे पूछा कि उनके पास बंदूक कहां से आई है तब भी वो चुप रहे। क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? और फिर वो बंदूक विक्रेता को चित्तौड़ से देश निकाले का आदेश देते हैं। और तो और, जब हम उन्हें गोली चलाने के अपराध में इस महल में बंदी बनने का आदेश देते हैं तो हमारे आदेश का परिहास करके वो इस महल से भाग जाते हैं। आप तो उनकी रानी मां है ना, आप बताइए हमें क्यों दुख दे रहे हैं वो अपने दाजीराज को? दीजिए उत्तर। हम क्या बताएं राणा जी, यदि हम कुछ भी बोलेंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छिपा रही हैं? कुंवर प्रताप, कुंवर जगमाल और बंधु साथ ले गए हैं। हो सकता है इस समय कुंवर जगमाल? कुंवर जगमाल, जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, किसने की आपकी हालत बताइए हमें, किसने की आपकी हालत? कोई वैद्य को बुलाइए, जाइए। कुंवर जगमाल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। कुंवर जगमाल, दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई और उन्होंने उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला। कुंवर जगमाल, कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर जगमाल? कुंवर प्रताप कुंवर जगमाल पे क्यों गोली चलाएंगे? वे तो अधिक स्नेह करते हैं कुंवर जगमाल से। और तमन सिंह, राणा जी, तमन सिंह को क्यों मारा कुंवर प्रताप ने, बताइए ना राणा जी? वो तो स्वामी भक्त पुरुष है, उन्हें मार दिया कुंवर प्रताप ने। राणा जी बताइए ना, क्यों मारा कुंवर प्रताप ने? हमारे पास आपके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है धीर भाई जी, इसलिए बार बार हमसे प्रश्न पूछना बंद कीजिए। हम नहीं जानते उसे जिसने हमारे पुत्र कुंवर जगमाल को घायल किया है, हम नहीं जानते उसे जिसने धवन सिंह को मारा है। जिसने भी कुंवर जगमाल की ऐसी हालत की है वो हमारा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पुत्र ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, हमारा पुत्र ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो नहीं है हमारा पुत्र, नहीं है वो हमारा पुत्र, नहीं है वो हमारा पुत्र।
वैद्य जी, इनका शीघ्र उपचार शुरू कीजिए। चलिए आइए, शीघ्र आइए। प्रताप ने हम पे गोली चलाई और उन्होंने उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला। गौ रक्षक प्रतिपालक कुंवर प्रताप की जय। जहीर सक्का से हमारी गायों को छुड़ाकर ना केवल आपने धर्म की रक्षा की बल्कि हमें भी अपने प्रेम का ऋणी कर दिया। हम सभी आपके आभारी हैं कुंवर प्रताप। पंडित जी, क्यों लज्जित कर रहे हैं आप हमें? हम तो मात्र मेवाड़ के युवराज होने के नाते अपना धर्म निभा रहे थे। बस साधो साधो, बस अब केवल एक अंतिम विनती। आज्ञा। हम सभी यह चाहते हैं कि तलजा भवानी की पूजा में आप हम सब के साथ सम्मिलित हो। कुंवर प्रताप, मैं शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ लौटना है। अब तक तो राणा जी को आपके महल नजरबंदी अवज्ञा के बारे में पता चल चुका होगा और आपके भाई कुंवर जगमाल का भी कोई अता पता नहीं है। पता हम जानते हैं कि समय बहुत तीव्र गति से और हमारे विरुद्ध दौड़ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पंडित जी को ना कहकर उनका अनादर करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ को हम कदापि ना नहीं कह पाएंगे। हमें पूजा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। अब इसी बीच जाकर कुंवर जगमाल का पता लगाइए। जाइए। पंडित जी, पूजा में सम्मिलित होना हमारे लिए आपका और देवी माँ का आशीर्वाद होगा। पूजा में सम्मिलित हम अवश्य होंगे। गौर प्रताप की जय। गौर प्रताप की जय। गौर प्रताप की जय। गौर प्रताप की जय। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। हमारे कुंवर प्रताप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप तो उन्हें हम सबसे अधिक जानते हैं ना दाजीराज। हम बस एक बार हुई घटना के बारे में आपको बताने आए हैं दाजीराज। एक बार हम चांद, दादा भाई जगमाल, दादा भाई प्रताप के साथ एक मेले में गए थे। उस मेले में दादा भाई जगमाल ने एक हट पकड़ ली कि वे एक खतरनाक सांड के साथ युद्ध वाला खेल खेलना चाहते हैं और वे स्वयं उस लड़ाकू सांड के साथ लड़कर उस रोमांच का अनुभव करना चाहते थे। दादा भाई प्रताप ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस खेल में प्राणों का संकट है। पर दादा भाई जगमाल उस बात पर ऐसे अड़े रहे कि हमारी तो दूर दादा भाई प्रताप की भी कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। जानते हैं दाजीराज, उसके पश्चात दादा भाई प्रताप ने क्या किया? दादा भाई जगमाल की उस इच्छा को पूरी करने के लिए वे स्वयं उस पागल सांड के साथ लड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। वे उस पागल सांड के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक दादा भाई जगमाल संतुष्ट नहीं हो गए। दाजीराज, ये दादा भाई जगमाल को इतना चाहते हैं। कुंवर मान, आप मंगाने हुकुम महारानी से चाहती हैं कि आप इसी समय वैद्यशाला में पधारें।
जय जगनी माँ जय जय जग जननी जय जय जिस घर में तुम रहती माँ सब सदगुण आता खान पान धन वैभव सब तुमसे आता ओम जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। कुंवर प्रताप हमारा अनुमान सही निकला, हमने चारों ओर पूछताछ की जिसके पश्चात ये पता लगा है कि कुंवर चकमाल महल की ओर ही गए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आयुष्मान भव कल्याण भव। आयुष्मान भव कीर्तिवान भव। माँ भवानी आपको इतनी प्रसिद्धि दे जितनी आज तक कभी किसी को ना प्राप्त हुई हो। इस समय तो हम अपने दाजीराज का सामना कर पाने योग्य सामर्थ्य का आशीर्वाद चाहते हैं माँ। अभी अभी गए हैं राणा। उन्होंने कहा है कि कुंवर जगमाल को बहुत ही गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, ऐसा जैसे जब किसी अपने पे से विश्वास टूट जाए। ऐसा मानसिक आघात तो हमें भी पहुंचा है दीपा जी। वो क्या कहे हमारे परिवार को राणा जी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सब लोग बाहर। सब लोग ये कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप समस्त भटियानी परिवार को समाप्त करना चाहते हैं और वे यहीं नहीं रुकेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वे हमारे सारे विश्वास पात्र सहयोगियों और राज कर्मचारियों को धमन सिंह की भांति समाप्त कर देंगे राणा जी। परंतु हम आपसे कह देते हैं कि हम किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पूरी दृढ़ता के साथ इन बुरी बुरी अफवाहों का सामना कर लेंगे। सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने अपने भाई पर गोली चलाई। हम जानते हैं कि सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने धमन सिंह को मार दिया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कुंवर जगमाल ने जो देखा उनका भ्रम हो। आंखें भी तो धोखा खा सकती है ना। नहीं धीर भाई जी, आंखें कभी धोखा नहीं खाती, कभी नहीं। सिपाहियों रावत जी को तुरंत सूचित किया जाए कि कुंवर प्रताप जहां कहीं भी हो उन्हें एक साधारण अपराधी की तरह पीढ़ियों में चकर कर यहां महल में लाया जाए। आप लोगों ने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाइए उन्हें बंदी बनाकर लाइए। क्या करती आपने राणा जी? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कुंवर प्रताप जी तो संतुष्ट है ना? हम पूरी तरह से तब संतुष्ट होंगे जब हम अपनी आंखों से दादा भाई को फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए देखेंगे। आप इसे
और भी दाजीराज को समझा नहीं पाया। आप यह आशा की अंतिम किरण बचे हैं हमारे लिए, जो दाजीराज को रोक सकती है। अभिषेक, अभिषेक शीघ्र कीजिए, अन्यथा दादा भाई प्रताप को मृत। मान, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। तो चलिए ना भाभी, चलिए और दाजीराज को सब कुछ सच बता दीजिए। चले, और क्या कहें हम उनसे? बता दे उनको कि गोली कुंवर प्रताप ने नहीं, आपके भाई कुंवर जगमाल ने चलाई है छोटी मां पर। भाभी सब, दादा भाई जगमाल के लिए हमारा अंधा प्रेम हमें सच बोलने नहीं दे रहा है, किंतु आप तो सच बोल सकती है ना। आप दाजीराज को जाकर सब कुछ सच बता दीजिए कि वहां हुआ क्या था। आपके लिए तो दादा भाई प्रताप परमेश्वरी है ना। हाँ भाभी सब, आप बता दीजिए। हम दाजीराज के सामने सच नहीं कह पाएंगे, और झूठ झूठ हमने आज तक बोला नहीं। आप चाहे हमें जितना भी उकसा लें, इस मामले में हम चुप ही रहेंगे। नहीं मान, हम उन्हें नहीं बता सकते। जब कुंवर प्रताप स्वयं ही कुछ नहीं कह रहे, तो हम उनकी अनुपस्थिति में उनकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि सच हमेशा झूठ से सबल और समर्थ होता है। हमें विश्वास है मान कि जीत सच की ही होगी और कुंवर प्रताप निष्कलंक साबित होंगे। देख लेना। कुंवर जगमाल ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? हमें से किसी को भी ना बताए वो चुपचाप चित्तौड़ चले गए। कुंवर प्रताप, हो सकता है ये बात सुनकर आपको अनुचित लगे, किंतु हमें आपके भाई का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता, ऐसे मत कहिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। हमने हाल ही में बलपूर्वक उनसे उनका विजय चूर्ण वाला व्यस्त छुड़वाया है। कुछ समय लगेगा उन्हें सहज होने में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम उन्हें सदमार्ग पर ले आएंगे। आप चाहे जो भी कह लीजिए कुंवर प्रताप, किंतु हम कुंवर जगमाल पर विश्वास नहीं कर सकते। आप यहां मेवाड़ में सब कुछ ठीक है ना? कहीं हमारे भाई जगमाल से संबंधित कोई बात तो नहीं है ना? अजयराज, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा हमें जीवन में। जी रहा बच्चे, समय कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि एकलिंग जी सब कुछ ठीक कर देंगे। कुंवर प्रताप, मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के आदेश से हम मेवाड़ के स्वामी भक्त सैनिक धमन सिंह की हत्या कुंवर जगमाल पर गोली चलाने के आरोप में आपको इसी क्षण बंदी बनाते हैं।
कुंवर प्रताप, मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के आदेश से हम मेवाड़ के स्वामी भक्त सैनिक धमन सिंह की हत्या और कुंवर जगमाल पर गोली चलाने के आरोप में आपको इसी क्षण बंदी बनाते हैं। हम जानते हैं कुंवर प्रताप की ये सब किसने किया। बस अगर मेवाड़ नरेश का आदेश हमें बंदी बनाना ही है तो रावचे उनके आदेशों का पालन शीघ्र ही किया जाए। कुंवर प्रताप, आप इसी क्षण अपने ही अस्त्र इन सैनिकों को सौंप दें। हम आशा करते हैं
कि इस बार आप चुप नहीं रहेंगे, है ना? हमें पूरा विश्वास है कि हम आपको फिर से उसी राज से कीर्ति और सम्मान से ओतप्रोत मेवाड़ के कुंवर प्रताप के रूप में देखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी को दंड मिलेगा और आप निष्कलंक सिद्ध होंगे। हमें आवश्यकता से अधिक आशा कभी नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? जो अपराध आपने किया ही ना हो, आपको उसके लिए दंड दिया जाए? आप क्यों नहीं सच कह देते? अजय, कभी कभी कुछ बातें सच से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या मतलब? वचन देते हैं आपको रानी मां, कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, जैसे एक राजपूत का दिया हुआ वचन। क्षमा चाहते हैं, समय हो गया है चलने का। बहुत प्रतीक्षा की हमने क्षण की, इसलिए तो योजना किसकी थी? हमारी। सही कहा आपने कुंवर जगमाल, हमारे पुत्र ने जो पीड़ा सही है उसका अच्छे से प्रतिसाद दे रहे हैं एकलिंग जी। जाइए जाइए, आरती उतारिए, आपका पुत्र घर आया है। अरे चाहिए चाहिए, आरती उतारिए ना। दासी दासी, हमारे आरती का थाल कहाँ है? आरती का थाल कहाँ है? यह है आरती का थाल, ना इसमें हमारा कुमकुम है, ना हमारा कपूर और ना दिया। जाइए शीघ्रता से लेकर आइए। किसकी आरती की तैयारियां कर रही हैं आप धीरभाई जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप राणा जी? कुंवर प्रताप की आरती और किसकी? कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप की आरती उतारने की, जाइए यहां से। हाँ, आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं राणा जी। हमने सदैव कुंवर प्रताप की आरती उतारी है ना, तो आज भी उतारेंगे। लाइए सब कुछ। होश में आइए धीरभाई जी, आप अपने आपे में नहीं है। हम जानते हैं कि आपको तीव्र मानसिक आघात पहुंचा है, अपने आप को संभालने की चेष्टा कीजिए, जाइए अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं राणा जी। कितने दिनों से हमने उनकी नजर नहीं उतारी और अब आप कह रहे हैं कि हम उनकी आरती भी ना उतारें? ऐसा नहीं हो सकता है। लाइए हमारे फूल, कपूर कहाँ है, कुमकुम की दे। होश में आइए धीरभाई जी, और ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। कुंवर प्रताप की आरती नहीं उतारी जाएगी, समझिए आप, क्योंकि कुंवर प्रताप एक अपराधी है और अपराधियों की आरती उतारने की परंपरा नहीं है हमारे मेवाड़ में, समझिए आप, इसलिए जाइए यहां से। हम बस आपसे इतनी विनती करना चाहते हैं कि हमारे कुंवर प्रताप को बचा लीजिए, उन्हें कोई दंड मत दीजिए। हमारे
हमारे कुंवर प्रताप को बचा लीजिए राणा जी, हमारे कुंवर प्रताप को बचा। वीर भाई जी संभालिए अपने आप को। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, जो भी निर्णय होगा सरकार में होगा। कुंवर प्रताप, प्रताप सिंह को दरबार में उपस्थित किया जाए। बाबूजी राज कोई अपराध नहीं कर सकते। बाबूजी राज कभी किसी का अपराध नहीं कर सकते। 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 प्रताप हमारे बोलने पर ही महल से बाहर आए और उन्होंने हमारी गायों की रक्षा की है, वो भी एक महादुष्ट पापी से। ऐसा पुण्य करने वाला कोई भी गलत काम कैसे कर सकता है। हमारे कुंवर प्रताप को छोड़ दीजिए महाराज। कुंवर प्रताप की जय। 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 कुंवर प्रताप शांत हो जाइए। कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप की जय। शांत हो जाइए आप सब। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी सदैव अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते आए और आप सबके विशेष अनुरोध पर ही आज राणा उदय सिंह जी ने आप सबको दरबार में ये अति महत्वपूर्ण न्याय प्रक्रिया देखने के लिए अनुमति दी है। किंतु यदि आप सब इसी प्रकार इस न्याय प्रक्रिया में व्यवधान डालते रहेंगे तो हमें विवश होकर इस न्याय प्रक्रिया को खुले में करने के बजाय बंद दरबार में करना होगा। अब निर्णय आप सबका। आपको महल में बंदी बने रहने का आदेश दिया था हमने, फिर आपने हमारे आदेश का उल्लंघन कर इस महल से बाहर जाने का दुस्साहस कैसे किया। उत्तर दीजिए इसका। मेवाड़ नरेश, हमारे राज्य की गायों की उत्पीड़न के विषय से आप भलीभांति परिचित हैं, इसलिए जब आपकी अनुपस्थिति ब्राह्मण देव उन्हें बचाने की याचना लेकर आए, हमें विवश होकर जाना ही पड़ा। आप किसी और को भी भेज सकते थे प्रताप सिंह, आप ही क्यों? गायों की रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए हमने सोचा कि यदि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते। तो हमारी अंतरात्मा ने कहा
कि आप भी बिना एक क्षण गवाए उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े। बस हमने भी ठीक वही किया। प्रताप सिंह, आप जानते हैं आप पर क्या क्या आरोप लगे हैं? आप पर धमन सिंह की हत्या, मेवाड़ की महारानी और मेवाड़ के राजकुमार कुंवर जगमाल की हत्या के प्रयास का आरोप लगा। बाबूजी राज कोई अपराध नहीं कर सकते। बाबूजी राज कभी किसी का नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कभी किसी का नहीं कर सकते। न्याय प्रक्रिया आरंभ की जाए। कुंवर जगमाल को दरबार में उपस्थित किया जाए। कुंवर जगमाल, क्या देखा आप? कुंवर जगमाल, आपको मेवाड़ नरेश का आश्वासन, कुछ नहीं होगा आपको। आपको यहां किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निडर होकर बोलिए, सबके सामने बोली, क्या देखा था आप? जब हम चित्तौड़ के बाहर निकले तब दादा भाई ने हमसे कहा कि भले उनका पहला प्रयास असफल हो गया परंतु अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत भयभीत हो गए थे। फिर हमें लगा कि दादा भाई ऐसे ही कह रहे हैं। हमने अपने आप को समझाया किंतु हमने देखा कि दादा भाई के पास उनकी तलवार के साथ साथ एक बंदूक भी है। परंतु जिस दिन जहीर सक्कर से दादा भाई लगभग हार ही गए थे उस दिन दादा भाई बहुत शोक में थे और उन्होंने अपना सारा क्रोध हम पे निकाल दिया। हम इतने भयभीत हो गए थे कि हमने अवसर मिलते ही दादा भाई की वो बंदूक ढूंढी और उसे छुपाने के लिए जंगल भाग गए जहां हमें धवन सिंह जी मिले। उन्हें शायद शंका हो गई थी कि हमारे प्राण संकट में। इस बात से इतना क्रोधित हुए कि हमारे हाथ से बंदूक लेके वो दादा भाई को मारने के लिए निकल पड़े। हमने पूरा प्रयास किया उनको रोकने का और इसी दादा भाई ने एक गोली हवा में चल गई। तभी दादा भाई वहां पे आए और जैसे तैसे दादा भाई ने अमन सिंह से बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी और हम पे भी गोली चला दी। कुंवर जगमाल बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रताप सिंह पर। आरोप कैसा दाजीराज? हमारे साथ जो हुआ है वो ही कह रहे हैं हम आपसे। ठीक
आप कुछ कहना चाहेंगे प्रताप सिंह? क्या आप जानते हैं प्रताप सिंह, यदि ये आरोप सत्य सिद्ध हुए तो इसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। प्रताप सिंह, आप जानते हैं कि अगर यह आरोप सत्य सिद्ध हुआ तो इसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। बैठ जाइए अजय, अभी इस महल में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसको सहने की शक्ति चाहिए आपको। बैठ जाइए। तो कुंवर चकमाल, प्रताप सिंह आप पर वार क्यों करना चाहेंगे? रावत जी, आपको कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई और फिर हम पे। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं, पहले रानी माँ फिर हमें। पर कल जाके अगर ये हमारी बहनों को भी मार देना तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, ये सरासर झूठ है। कुंवर चकमाल झूठ कह रहे हैं राणा जी। पता प्रताप सिंह, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, आप निर्भीक होकर बोलिए जो बोलना चाहते हैं। राणा जी, कुंवर प्रताप ने किसी को नहीं मारा, हम स्वयं थे वहां। क्या देखा आपका? जहीर साका के साथ पहले दिन की लड़ाई के पश्चात कुंवर प्रताप बहुत परेशान थे। हम दोनों एक ही कक्ष में थे तब अचानक हमने गोली चलने का स्वर सुना। कुंवर प्रताप तुरंत ही उस दिशा में भागे, और फिर जब हमने दूसरी बार गोली चलने का स्वर सुना तो हम भी उनके पीछे पीछे उसी दिशा में भागे। फिर क्या हुआ? हमने देखा कि कुंवर प्रताप के हाथ में बंदूक थी। तमन सिंह का शव धरती पर रक्त रंजित पड़ा था और चकमाल के कंधे से रक्त बह रहा था। हाँ तो हम भी वही बोल रहे हैं। ये सब तब हुआ जब हम बंदूक छुपाने के लिए वन में जा रहे थे और धमन सिंह हमसे आके दादा भाई को मारने के लिए बंदूक छीन रहे थे। जैसे ये कह रहे, पहली गोली चली थी परंतु हवा में। झूठ जकमाल, फिर से झूठ बोल रहे हैं राणा जी। आप हमसे बात कीजिए पक्का, हमें बताइए कि क्या हुआ था। जी, हमने जो भी देखा हमने आपको बता दिया। तो इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि कुंवर प्रताप अपराधी है? तो आप ये कहना चाहते हैं प्रताप कि पहले आप और प्रताप गोली का धमाका सुना, जिस और प्रताप भागे, फिर दूसरी गोली का धमाका हुआ, फिर आप उस ओर भागे। जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि वहां धमन सिंह का शव पड़ा और कुंवर चकमाल वहां घायल पड़े और बंदूक प्रताप सिंह के हाथ में। ठीक कहा हमने? पत्ता, कदाचित आप ये नहीं जानते कि आपके इस साक्ष्य ने
प्रताप सिंह पर लगे आरोप को और भी बल दे दिया। जाइए और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो प्रताप सिंह, आपने सब कुछ सुना जो पहले कुंवर जगमाल ने कहा और फिर पत्ता ने कहा। आपको इसके विरोध या इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना है? प्रताप सिंह, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है? फिर वही चुप्पे। तो हम ये मान ले प्रताप, इस सब के पीछे आपके मन में वही उद्देश्य था जो इन दोनों ने हमें बताया। बोले कुंवर प्रताप, दाजीराज, दादा भाई ने हमसे स्पष्ट कहा था कि इनको लगता है कि हमारे होते हो सकते हैं राज सिंहासन ना मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रताप सिंह को कुंवर जगमाल से समस्या, प्रताप सिंह कुंवर जगमाल को अपने भविष्य के राजतिलक में बाधा मान रहे थे। बोलिए प्रताप सिंह, क्या ये सच है? प्रताप सिंह, आपको तो इस विषय में चिंतित होना ही नहीं चाहिए था। हम तो पहले ही आपको इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मान चुके थे। हम ही क्या, सारा मेवाड़, समस्त राजपुताना आपको हमारा उत्तराधिकारी मान चुका था। यहाँ तक कि आपकी रानी मां हीर भाई जी भी आपको इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मान चुका था। बोलिए प्रताप सिंह, क्यों किया आपने ऐसा? आपका चुप रहना आपके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। प्रताप सिंह बोलिए, सच बोलिए प्रताप सिंह। तो ठीक है प्रताप सिंह, हम अपना निर्णय सुनाते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह इस अपराध में आपको दोषी मानते हुए हम आपको दंडित करते हैं और आपको दंड देते हैं कि नहीं। राणा जी, ऐसा निर्णय मत लीजिए। ये राज परिवार का मामला है, हम पारिवारिक रूप से सुलझा लेंगे। और जो कुछ भी कुंवर जगमाल कह रहे हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं वो तो वापस ले लेंगे। राणा जी कितना प्रेम करते हैं कुंवर प्रताप से, है ना कुंवर जगमाल? हम वापस ले लेंगे आरोप। बस कुंवर जगमाल, नहीं धीर भाई जी, अब ये समस्या पारिवारिक नहीं रही, अब ये समस्या आपराधिक हो चुकी है। और यदि अपराध हुआ है तो अपराधी को दंड मिलना भी आवश्यक है। इससे हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को दंड देते हैं कि रुक जाइए राणा उदय सिंह जी। हकीम खान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी उस वाक्य के चश्मदीद गवाह हैं।
बताइए क्या देखा था? जो देखा वो तो आपको पत्ता ने सब बता ही दिया होगा। हम आपको वो बताएंगे जो किसी ने नहीं बताया होगा। बताइए आकिम खान, क्या हुआ था उस रात? हमने घायल भाई को गोद में उठाए, बदहवास वैद्य जी पुकारते दौड़ते प्रताप को देखा। हमने देखा प्रताप अपने ही दुश्मनों की ललकार को भूलकर अपने ही सैनिक की लाश को इज्जत और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते देखा। हमने अपने ही वालिद के महल नजरबंदी के हुक्म के बावजूद अपने उसूलों के लिए, अपने पुरखों की इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए इसके लिए एक ब्राह्मण की फरियाद पर गायों को बचाने के लिए और जहीर साका से लड़ने के लिए बेखौफ उसके किले में उसी से लड़ते हुए प्रताप को देखा। राणा उदय सिंह जी, आप भी एक वालिद और एक अरसे से राजा भी, आप ही सोचिए भला ऐसा शख्स अपने ही छोटे भाई की जान लेने की कोशिश करेगा? न्याय के दरबार में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता हाकिम खान। हम जानते हैं कि आप प्रताप सिंह के बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, किंतु दुख की बात यह है कि आप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर नहीं पा रहे। राणा उदय सिंह जी, हम तो सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, हम इनके लिए आपसे रहम की भीख मांगते हैं। ये वो प्रताप हैं जिन्होंने 14 साल की कच्ची उम्र में शम्स खां को मारा था। ये वो प्रताप हैं जो बिना अपनी जान की फिक्र किए बैरम खां की पूरी फौज से लड़ने के लिए चले गए। ऐसा जाबाज शख्स भला क्यों महज तख्त और ताज के लिए अपने ही छोटे भाई पे हमला करेगा? और अल्लाह जानता है अगर हमारे पास कोई प्रताप को बेगुनाह साबित करने का सबूत होता तो हम जरूर लाते, मगर अफसोस इस वक्त हमारे पास इनके लिए कोई सबूत नहीं, पर दिल में इनके लिए यकीन और इज्जत है। और ये प्यार और इज्जत सिर्फ हमारे ही दिल में नहीं, आपकी आवाम के हर एक शख्स के दिल में है। चित्तौड़ और राजपुताने के किसी भी शख्स से पूछ के देख लीजिए, बोलिए क्या प्रताप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मौजियात कोई अपराध नहीं कर सकते। की तो जय जयकार होनी चाहिए। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। हाकिम खान, मन का विश्वास यदि न्याय की कसौटी पर परखने लगे तो सदा भ्रम ही निकलता है, एक ऐसा भ्रम जो पता ही नहीं चलता कब चुपके से हमारे भीतर आता है और सत्यों को और तथ्यों को धुंधला कर जाता है। और हमें सच्चाई से दूर कर देता है। किंतु न्याय निजी विश्वासों से नहीं, मान्यताओं से नहीं, पूर्वाग्रहों से भी नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। और सभी साक्ष्य इस ओर संकेत दे रहे हैं कि प्रताप सिंह ने तो समझ कर योजना बनाई और अपने छोटे भाई कुंवर चकमाल पर हत्या का प्रयास किया। राणा उदय सिंह जी, इस बात पे तो इनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर भी यकीन नहीं कर सकते, फिर आपने कैसे यकीन कर लिया?
क्या यही है मेवाड़ का इंसाफ? हाकिम खान, एक न्यायकर्ता के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब उसके हाथों किसी निरपराध को दंडित किया जाता है, और यही दुख आज हमें भी खाया जा रहा है। बोलिए प्रताप साहब, सच बोलिए और हमारी सहायता कीजिए। बोलिए खुद प्रताप, हमें इस पीड़ा से और इस असहायता से बाहर निकालिए प्रताप सिंह। बोल बोल, सच बोलिए। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। देखिए प्रताप सिंह, अभी हम आपके सामने मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के रूप में नहीं, आपके दाजीराज के रूप में खड़े हैं। विनती करते हैं आपसे, ये सच क्या है प्रताप सिंह? जी नहीं पाएंगे आपके बिना। कह दीजिए प्रताप कि यहां इस दरबार में जिसने जो भी बोला वो सब झूठ है, जितने भी साक्ष्य हैं सब झूठ है। प्रताप सिंह, तब तो एक राजा को भी रुकना पड़ेगा जब तक सभी साक्ष्यों का सत्यापन नहीं हो जाता। देखिए अपने दाजीराज की ओर आओ, सहायता कीजिए अपने दाजीराज की। बोलिए प्रताप, अब तो कुछ बोलिए। दाजीराज, दाजीराज, इस समय आप केवल हमें लेकर सोच रहे हैं। आप मेवाड़ नरेश हैं, सबसे पूर्व एक राजा, फिर पिता, पति, आदि। आप अपना राज धर्म निभाएं, पितृ प्रेम को न्याय के पथ में ना आने दें। Thank you.
सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को मेवाड़ के एक स्वामी भक्त सैनिक की हत्या, मेवाड़ की महारानी और मेवाड़ के राजकुमार कुंवर चकमाल की हत्या के प्रयास में आरोपी मानते हैं। उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए।